जागो उत्तराखंड की खबर का असर मंगलवार सुबह तब देखने को मिला जब विगत दो महीने से जिंदगी और मौत से जूझते हुए इस गोवंश जिसकी स्थिति प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है की खबर को जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी ने उठाया। इस खबर के उठने के एक घंटे के अंदर ही पौड़ी की सर्दियों में रजाई में दुबका हुआ पशुपालन विभाग कम से कम कैमरे के सामने ही सही लेकिन हरकत में नजर आया। तुरंत फुरत में पशु चिकित्सक से लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु एम्बुलेंस 1962 तक सभी मौके पर पहुंचे। विगत कई दिनों से इस गोवंश की देखभाल करने का दावा करने वाले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीएस बिस्ट असलियत में ये भी नहीं जानते थे कि आखिर इस गोवंश की बीमारी क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडोलिया के निकट ये गोवंश यहाँ पर काफ़ी समय से बीमार हालत में है और अभी तक ये डायग्नोज भी नहीं हो पाया कि बीमारी क्या है, कि ये क्या है या फिर गैस है या कुछ है। तो इस बारे में क्या कर रहा है पशुपालन विभाग? जी, यहाँ पर एक गोवंश जो आपके सामने बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है, इसको पशुपालन विभाग की तरफ से काफ़ी समय से देखा जा रहा है और जो हमारी एक नई सेवा एम्बुलेंस सेवा 1962 के नाम नंबर से शुरू की गई है, उसके भी अधिकारी और कर्मचारी डॉक्टर जो हैं इसकी चिकित्सा में यहाँ पर लगे हुए हैं और हम ये कर रहे हैं कि वर्तमान में इस गोवंश को यहीं पर रखने की व्यवस्था हमने कर रहे हैं और जिससे कि इसकी समुचित इलाज की व्यवस्था, क्योंकि शहर के नज़दीक है तो चिकित्सा करने में सुविधा हमें भी होगी और सभी चीज़ें उसको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो गोवंश को यहीं पर एक शेड कुछ पशु प्रेमियों के द्वारा बनाया गया है, उसी के अंदर रखकर और समुचित चिकित्सा की व्यवस्था हम उसके लिए कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि जब से जागो उत्तराखंड की खबर चली है तो आनन फानन में पूरा पशुपालन विभाग यहाँ पर एकत्रित हो गया है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि डॉक्टर यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि वो बगल से गर्म पानी करके वो पशु को पिला रहे हैं, लेकिन इस बात की सत्यता और प्रामाणिकता जांचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और 1962 जो आप गाड़ी का हवाला दे रहे हैं उसमें भी अभी हमने देखा कि जब डॉक्टर लेडी डॉक्टर 1962 को कॉल कर रही थी तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा था कि वो गाड़ी को यहाँ तक लाने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो 1962 वाहन है एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग हो रहा है, ये हमारे विकास भवन पौड़ी में ही खड़ा होता है हमारे कार्यालय के साथ ही। तो मुझे आज ये एक हमारे अपर निदेशक महोदय गढ़वाल मंडल पौड़ी डॉक्टर अशोक कुमार साहब ने आज सुबह एक बाइट भेजी जो किन्हीं सज्जन ने यूट्यूब में शायद तैयार की थी। तो जैसे ही मुझे वो मिली है तो एकदम निकटस्थ है, मैं स्वयं आकर इसके लिए देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1962 जो वाहन है उसको भी हमने बुला दिया है और जो 1962 में जो समस्या ये है कि वो कॉल सेंटर के माध्यम से कार्य करते हैं और अगर उनका कॉल कनेक्ट नहीं होता तो उन्हें अपने कार्य संपादन में डिफ़िकल्टी होती है, उस चीज़ को नज़रअंदाज करके हमने उनको यहाँ पर उपस्थित कर दिया, कार्य कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा आप अन्य किन विभागों के साथ इस पशु की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, जैसे नगर पालिका या जिला प्रशासन किसी के साथ आप इससे संपर्क में हैं, इसका क्या प्रोसीजर होगा? जी, मूल रूप में ये वर्तमान में जो गोवंश है ये इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तो पशुपालन विभाग की ही इसमें जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं और पशु चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो वो हम अभी आपके सामने कर ही रहे हैं और इसके बाद भी यहाँ पर जो नगर पालिका है उससे भी संपर्क साध कर उसके पुनर्वास के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। इस बीच जागो उत्तराखंड को गोवंश के इलाज एवं पुनर्वास के लिए कुछ दर्शकों के संदेश भी फेसबुक एवं फोन द्वारा प्राप्त हुए हैं, इसलिए आशा करते हैं कि कम से कम इस गोवंश के इलाज एवं देखभाल का काम ईमानदारी के साथ पूरा हो पाएगा। जागो उत्तराखंड के लिए अक्षित बर्थवा।